हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम यूपीएससी 2020 टॉपर्स के मार्कशीट को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुभम कुमार जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, उनका पेपर का मार्कशीट देखने वाले हैं। तो इनका एसे में 134 नंबर, जनरल स्टडी 1 यानी पेपर 2 में 115, जनरल स्टडी 2 पेपर 3 में 111, जनरल स्टडी 3 पेपर 4 में 92 मार्क्स और जनरल स्टडी 4 पेपर 5 में 106 मार्क्स आए। इनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, जिसमें 170 और 150 मार्क्स आए हैं और टोटल नंबर इनका रिटेन में 878 और पर्सनालिटी टेस्ट में 176 मार्क्स आए हुए हैं, जो कि टोटल 1054 होते हैं। सेकेंड मार्कशीट जागृति अवस्थी जी का है, जिनका एसे में 132, पेपर 2 में 110, पेपर 3 में 121, पेपर 4 में 105 और इनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, जिसमें दोनों पेपर में 138 और 146 आया। इनका टोटल रिटेन नंबर 859 हुआ है और इनका पर्सनालिटी टेस्ट में 193 मार्क्स आए हुए हैं, जो कि फाइनल टोटल स्कोर 1052 होता है और इनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 है। ये मार्कशीट ऑल इंडिया रैंक 4 यस जलुका जी का है। इनका एसे में 147 नंबर और पेपर 2 में 106, पेपर 3 में 104, पेपर 4 में और पेपर 6 और 7 यानी जो इनका ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, उसमें 131 और 152 नंबर आए हैं, यानी इनका रिटेन में टोटल 851 नंबर हुआ है और पर्सनालिटी टेस्ट में इनका 195 मार्क्स आए हैं, जो कि टोटल 1046 होता है। तो इनका ऑल इंडिया रैंक 4 है। ऑल इंडिया रैंक 3 आने वाली अंकिता जैन का रिटेन में 839 मार्क्स और पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे ज़्यादा 212 मार्क्स आए हैं, जो कि इनका टोटल 1051 मार्क्स होता है। और ममता जी का, जिनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया है, उनका रिटेन में टोटल 855 और पर्सनालिटी टेस्ट में 187 मार्क्स आए हैं, जो कि टोटल 1042 होता है। इनका मार्कशीट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे ही इनका मार्कशीट अवेलेबल होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर ले। जैसे ही इन दोनों का मार्कशीट अवेलेबल होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उन मार्कशीटों को अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।